रेलवे पुल जो हैं, स्पेशली जो नदियों के ऊपर बने हुए पुल होते हैं, वहाँ पे वाटर लेवल का मेजरमेंट बारिश के दिनों में लिया जाता है। और इसका जो सिस्टम है कि मैनुअली एक आदमी जाके देखता है और वो नोट करता है, इस तरह से इसको लिया जाता था। इसको नई टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं। अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे के 18 जो इम्पोर्टेंट ब्रिजेज हैं या बहुत बड़े ब्रिजेज हैं, उन पे इसको लगाया गया है। कुछ ब्रिजेज पे इसको और लगाए जाने की भी प्रक्रिया है। जिन 18 पुलों पर लगे हैं, उनमें से अगर अपने आसपास की बात करें तो यहाँ राप्ती नदी पर ब्रिज संख्या 184 है, उस पर लगा है। गोरखपुर से आनंद नगर की तरफ जाते हैं तो रोहिणी नदी पर एक पुल संख्या 4 है, उस पर लगा है। इसके अतिरिक्त गंडक, गंगा और जो बड़ी नदियां हैं, उन सभी पे ये डिवाइस लगा है। इसके लग जाने से ऑटोमेटिकली दिन में 2 बार एक नियमित अंतराल पे जो डेंजर लेवल से क्या पानी की सतह कितनी दूर है, वो एक मेजरमेंट ऑलरेडी जो इसमें सेक्शन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर होते हैं, सीनियर डीएन होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसके लिए, उनको मैसेजेस जाते हैं। इससे जो है मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है और सुरक्षा और संरक्षा और बेहतर और सुदृढ़ हुई है। इसके अतिरिक्त वर्षा के दिनों में लगातार रेलवे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारे, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। पेट्रोलमैन उसकी पेट्रोलिंग करते हैं और जो महत्वपूर्ण पुल हैं वहाँ पर स्टेशनरी पेट्रोलमैन भी लगाया जाता है, जिससे कि सुरक्षित और संरक्षित रूप से ट्रेनों का संचालन चलता रहे। और फायदे की बात करें तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ रेलवे को? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको 2 टाइम पे जब सुबह और शाम में मिल जाता है और डायरेक्टली सभी को मैसेज चला जाता है। पहले जो मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम से एक आदमी जाता है, उसको रिकॉर्ड करता है, एक रिकॉर्ड रजिस्टर में रहता है, अगर कोई पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। लेकिन इससे क्या है कि सीधे जितने भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको देखना है, उन सभी को SMS चला जाता है। तो उनको एक बेसिक आइडिया रहता है कि अभी नदी का जलस्तर कितना है और किस लेवल की तैयारी की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से रेलवे अपनी तैयारी उसी के हिसाब से कर पाती है और ट्रेनों का सुरक्षित जो संचालन है वो सुनिश्चित कर पाती है।